हेलो स्टूडेंट, तो वेलकम है आपका एल एंड गेट चैनल पे। मैं आज आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 7 का चैप्टर 14 का सम्स बताने वाली हूँ। इस चैप्टर में है, चैप्टर 14 में है कि त्रिभुज की विशेषताएँ। और चैप्टर 14 में यहाँ पर कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट, एक त्रिभुज की कितनी मध्यमा होती हैं, मतलब त्रिभुज के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन किए गए हैं। तो सबसे पहले मैं सारे त्रिभुज के बारे में बता देती हूँ कि कितने टाइप्स के होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम त्रिभुज के बारे में जान लेंगे, तभी तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे जो कि 1 मार्क्स का आता है एग्जाम्स में। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ कि कोण का भेद, मतलब कितने कोण होते हैं, पहले ये लिख लेते हैं। मैं आपको ये इंट्रो इसलिए दे रही हूँ कि आपको ये इजीली से आगे जो सम्स दिया गया है, मतलब जो उसमें क्वेश्चन किया गया है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, कोण के प्रकार। तो कितने प्रकार के कोण यहाँ पर मैं बता रही हूँ। सबसे पहले मैं न्यून कोण के बारे में बता रही हूँ। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज कौन सा है? न्यून कोण त्रिभुज वो होता है जो कि 90 डिग्री से कम, 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में जो कोण आता है उसे हम त्रिभुज न्यून कोण कहते हैं। जैसे कि ये वाला, इसका ये हमारा 90 डिग्री से कम और ये ट्रायंगल बन जाए, ठीक है, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड है हमारा अधिक कोण। अधिकोण त्रिभुज ये कौन, इसका डेफिनेशन कहता है, अधिकोण त्रिभुज वो होता है जो कि 90 डिग्री से ज़्यादा, ठीक है, 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम, उसे हम अधिकोण कहते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम ऐसे होता है, ये हो गया, ऐसे हो गया और ये इस तरह से ऐसे मिल गया, ठीक है। ये जो ये कोण बना उसे हम अधिकोण कहते हैं। थर्ड नंबर समकोण, समकोण किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है, जो 90 डिग्री का कोण बनता है उसे हम समकोण कहते हैं। ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है, जो 90 डिग्री का कोण का त्रिभुज बनता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब हम बाहु के प्रकार बता देते हैं, कितने प्रकार के बाहु होते हैं, मतलब बाहु त्रिभुज, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट होता है आपका समबाहु, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज कैसे कहते हैं, जिस त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। मान लो कि ये आपका 5 होगा, ये भी 5 होगा, तो ये भी 5 ही होगा, ठीक है। तो सारे त्रिभुज के जो ये भुजा है, भुजा अगर जो 5 5 का होगा तो सारा ही 5 का होगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी सारी भुजाएं सेम होते हैं। सेकंड, सेकंड है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कैसे कहते हैं, सम द्विबाहु, यहाँ पे साबित है द्वि, मतलब जिसकी 2 भुजाएं सम मतलब सेम हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है, थीके? जिसकी 2 ही भुजा सेम हो, मान लो ये एक डायग्राम है तो ये दोनों सेम है और ये हमारा बड़ा है, ठीक है। मान लो कि ये हमारा 4 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है, तो ये दोनों भुजा सेम है और ये नहीं है। तो सम द्विबाहु त्रिभुज मतलब क्या, जिसकी 2 भुजा सेम हो और 1 भुजा ना हो उसे हम सम द्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। थर्ड, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसके ये तीनों भुजा, जैसे कि इसका समबाहु त्रिभुज कहते हैं जिसकी तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाहु जिसकी 2 भुजा बराबर हो, और विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं जिसकी तीनों भुजा असमान हो, मतलब एक दूसरे की लंबाई जो है उसकी समान नहीं होती है, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि ये आपका ये एक भुजा है, ये ऐसे क्या और ऐसे क्या, ये आपका रहेगा 3 सेंटीमीटर, ये 7 होगा, ये 5 होगा, जिसकी एक भी भुजा समान ना हो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। मैं आपको जो बाहु के प्रकार ही बता दी और कोण के प्रकार कहते हैं, न्यून कोण, अधिक कोण, त्रिभुज,
न्यूनकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, ये तीनों के बारे में आपको बता दी। न्यूनकोण त्रिभुज जिसे कहते हैं जो कि 90 डिग्री से कम हो, अधिकोण जिसे कहते हैं 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम हो, समकोण त्रिभुज जिसे कहते हैं जो कि 90 डिग्री का कोण हो उसे हम ये समकोण कहते हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, समद्विबाहु मतलब कि जिसकी दो भुजा बराबर हो एक भुजा ना उसे हम समद्विबाहु कहते हैं त्रिभुज। और विषमबाहु उसे कहते हैं जिसकी तीनों भुजा असमान हो और लंबाई हो, जिसकी तीनों भुजाएं असमान और लंबाई हो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब हम आपको बता दे रहे हैं कि त्रिभुज की मध्यमा किसे कहते हैं। ठीक है, मान लो ये त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, तो इसकी मध्यमा हम किसे कहेंगे। तो इस वाले जो यहाँ पे हमारा दिख रहा है ये कोण है। ठीक है, ये तीन कोण है, त्रिभुज के तीन कोण है, तो ये कोण से जो एक यहाँ पे हमारे भुजा इधर जा रहा है, ठीक है, और इस कोण से हमारा भुजा एक इधर जा रहा है और इससे हमारा एक भुजा इधर जा रहा है। ठीक है, तो हमारा जो ये इस कोण से यहाँ तक जो एक भुजा जा रहा है, ठीक है, और इस कोण से यहाँ एक भुजा जा रही है, इस कोण से एक यहाँ भुजा जा रहा है, जो तीनों भुजा एक बिंदु पर एक दूसरे को काट रहा है। ठीक है, तो जो हमारा इस कोण से एक भुजा इधर जा रहा है उसे हम इस त्रिभुज की मध्यमा कहेंगे। ठीक है, मध्यमा किसे कहेंगे, तो त्रिभुज के जो कोण से स्टार्ट होकर के एक दूसरे को एक बिंदु पर काटे उसे हम मध्यमा कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज की क्वेश्चन में हमारा ये है कि त्रिभुज की मध्यमा किसे कहते हैं, क्वेश्चन में है, इसलिए मैं आपको मध्यमा के बारे में बता रही हूँ। त्रिभुज की मध्यमा किसे कहते हैं, जो कि हमारा कोण से स्टार्ट होकर के एक दूसरे को काटे एक बिंदु पर उसे हम मध्यमा कहते हैं त्रिभुज की। ठीक है, अब त्रिभुज की ऊंचाई किसे कहते हैं, मान लीजिए एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, अब इसकी ऊंचाई किसे कहेंगे, त्रिभुज की ऊंचाई किसे कहेंगे, जो हमारा जैसे कि हमारा ये जमीन है। ठीक है, इस जमीन से हमारा जो इस कोण तक एक लाइन जाएगा, ठीक है, ये हमारा इस बेसिस पे हमारे ये ट्रायंगल बने इस सरलरेखा पर, तो हमारा ये सरलरेखा क्या हम इसको जमीन मान लेते हैं। ठीक है, इस जमीन से हमारा एक जो इस कोण के बीच में लाइन जाएगा ये त्रिभुज की लंबाई हो जाएगा। ठीक है, इस वाली जमीन से जो हमारा इस कोण तक लाइन जाएगा, तो नीचे से ऊपर की ओर जो जमीन से ऊपर की ओर जो हमारा जा रहा है भुजा त्रिभुज के बीच से, वो हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज की लंबाई। ठीक है, मान लो ये हमारा कोण है, ठीक है, इस कोण ये कोण है, ये कोण हमारा यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, इस त्रिभुज का ये जमीन हो गया। ठीक है, इस जमीन से जो हमारे कोण के ऊपर जा रहा है लाइन मतलब भुजा जा रहा है, वो हमारा क्या हो गया, इस त्रिभुज की लंबाई। फिर इस कोण से हमारा ये यहाँ जा रहा है, ये इसका जमीन हो गया, और इस जमीन से हमारा ये इस कोण को ये काटर मतलब ये इसकी ऊंचाई हो गया। ठीक है, तो ऊंचाई भी सेम वही है कि एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, ये त्रिभुज के तीन तीन ऊंचाई होती है और तीन हमारा मध्यमा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की कितनी मध्यमा होती है। मैं आपको बताई ना मध्यमा के बारे में, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लिख लेते हैं यहाँ पर, एक त्रिभुज की एक त्रिभुज के कितनी मध्यमा होती है, लिखो कितनी होती है, एक त्रिभुज की तीन मध्यमा होती है। मैं आपको जस्ट आपको बताई, एक त्रिभुज की कुल तीन मध्यमा होती है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की कितनी मध्यमा कितनी बिंदु पर काटती है। ठीक है, कितनी बिंदु पर काटती है, एक बिंदु पर काटती है, तीनों मध्यमा एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती है। ठीक है, तो हम ये भी लिख लेते हैं, एक त्रिभुज की कितनी मध्यमा कितनी मध्यमाएं कितनी बिंदु पर कितनी बिंदु पर
देखो ठीक है, कितनी बिंदु पर काटती है? एक बिंदु पर काटती है, एक त्रिभुज की, एक त्रिभुज की तीन मध्यमा है। कितनी मध्यमा पूछा गया, कितनी बिंदु? तो मध्यमा कितनी है? मध्यमा हमारा तीन है, लेकिन बिंदु हमारा एक ही बिंदु पर काटती है। ठीक है, त्रिभुज की कितनी मध्यमा है? तीन मध्यमा है, तीन मध्यमाएं, लेकिन एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काटता है। ठीक है, कितनी बिंदु पर काटती है? तो तीन मध्यमाएं एक बिंदु पर, एक बिंदु पर काटती है। ठीक है, ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक त्रिभुज की कितनी ऊंचाई पाएंगे लिखे। कितनी ऊंचाई पाएंगे? तीन, क्योंकि मैं आपको बताई जो नीचे, जो हमारा इस कोण से हमारा है, इस कोण से जो हमारा जमीन के ऊपर एक भुजा जा रही है, एक दूसरे को त्रिभुज को काट रही है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये जमीन, इस कोण से हमारे जो जमीन की तरफ आ रहा है, तो ये हमारा त्रिभुज की लंबाई हो जाएगा। इस जमीन से इधर जा रहा है ये हमारा लंबाई, इससे इससे जा रही है हमारा जमीन है, और इसका ये लंबाई है त्रिभुज का। ठीक है, तो क्या है? तीन हमारा लंबाई है, क्योंकि यहाँ पे तीन कोण है। तो पूछा क्या है? एक त्रिभुज की, एक एक त्रिभुज की कितनी ऊंचाई पाएंगे? देखो कितनी ऊंचाई पाएंगे, तो तीन ऊंचाई पाएंगे। ठीक है, एक त्रिभुज की कितनी दिन पाएंगे? तो तीन, तीन ऊंचाई पाएंगे। फोर नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की ऊंचाई कितनी बिंदु पर काटती है? तो एक त्रिभुज की ऊंचाई, एक त्रिभुज की ऊंचाई कितनी बिंदु पर, एक त्रिभुज की ऊंचाई कितनी बिंदुओं पर काटती है? देखो ठीक है, कितनी बिंदुओं पर काटती है एक त्रिभुज की, कितनी बिंदुओं पर काटती है? तो हमको दिख रहा है कितनी बिंदुओं पर काटती है, एक ही बिंदु पर ये भी काटती है। तो हम लोग लिख देंगे किसी त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयाँ, तीनों ऊंचाइयाँ परस्पर एक बिंदु पर काटती है। ठीक है, ये हमारा चार क्वेश्चन है। और एक लास्ट क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज के प्रत्येक ऊंचाई और मध्यमा एक ही होती है। किस त्रिभुज की प्रत्येक ऊंचाई और मध्यमा एक होती है? यहाँ पे पूछा है कि कौन सा ऐसा त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई और मध्यमा सेम होती है। ठीक है, तो मैं चलिए इधर लिख देती हूँ, इधर में फाइव नंबर क्वेश्चन है कि किस त्रिभुज की प्रत्येक ऊंचाई, प्रत्येक ऊंचाई
किस त्रिभुज की प्रतीक ऊंचाई और मध्यमा एक ही है? कौन सा त्रिभुज ऐसा है जिसकी ऊंचाई और मध्यमा सम है? ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको इधर में, ठीक है, इधर में आपको मैं बताई थी कि कौन सा ऐसा हमारा त्रिभुज है जिसकी तीनों तीनों भुजा सब बराबर होती है। ठीक है, तो एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी हमारा तीनों भुजा बराबर होती है। तीनों भुजा बराबर मतलब सेम, इसका मध्यमा मतलब इससे इस कोण से इसको काट जा रहा है, इससे इधर जा रहा है, इधर से इधर आ, तो तीनों मध्यमा एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काट रहा है। ठीक है, सॉरी मेरा हाथ स्लिप हो गया, तो एक ही बिंदु पर इसको काट रहा है, देख रहा है ये, आपको यहाँ पर मैं दिखाई हूँ, एक ही बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, तो इसका क्या है, हमारा सारा मध्यमा इसका सेम है, इसका मध्यमा हमारा सेम ही है, ये हमारा त्रिभुज है जिसकी सारा भुजाएं बराबर है, पाँच पाँच मान पाँच पाँच। ठीक है, तो ये इस कोण, इस वाले कोण से एक इधर जा रहा है, इस वाले कोण से एक इधर जा रहा है, इस वाले कोण से एक इधर जा रहा है, तो ये सारा क्या करे, एक ही बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, त्रिभुज की मध्यमा है। अब ऊंचाई एक, किस त्रिभुज की प्रत्येक ऊंचाई और मध्यमा एक ही होती है? तो समबाहु त्रिभुज की क्या होता है, सारा हमारा भुजा क्या होता है, बराबर होता है, यही समबाहु त्रिभुज की हमारा डेफिनेशन होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, मध्यमा में बता दिया। अब ऊंचाई क्या होता है, जो जमीन से शुरू होकर जो कोण के तक ऊपर जाता है, एक भुजा जाती है, उसे हम इस त्रिभुज की ऊंचाई कहते हैं। तो एक ये ऊंचाई हो गया, और एक यहाँ से एक ही ऊंचाई हो गया, एक यहाँ से एक ही ऊंचाई, मतलब ये तीन ऊंचाई भी हो गया। ठीक है, तो कौन से त्रिभुज में था, तो समबाहु त्रिभुज में था। वहाँ पे क्या लिखेंगे, वहाँ पे हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की। ठीक है, इधर हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज। आंसर होगा आपका समबाहु त्रिभुज प्रतीक ऊंचाई एवं मध्यमा एक होती है। ठीक है, किस त्रिभुज की प्रत्येक ऊंचाई और मध्यमा एक ही होती है? तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक ऊंचाई एवं मध्यमा क्या होता है, एक ही होता है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो मैं आपको पांचों के बारे में बता दी, जो हमारा 40 नंबर में क्वेश्चन जो पांच दिया गया था, मैं सबके बारे में आपको बता दी हूँ। आज का क्लास हम यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद बताऊँगी। अगर जो आपको कहीं प्रॉब्लम हुआ हो तो आप मुझे कमेंट करें कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो मैं फिर से वहीं से सम्स बताने की कोशिश करूँगी। आई होप कि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो, बट हो तो आप मुझे कॉमेंट करो, और मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।